हमारे दरमियान न सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग मौजूद हैं जो सीएसआर में काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे दरमियान एनजीओ मौजूद हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद हैं, अच्छी दूर की निगाह रखने वाले लोग मौजूद हैं। और इंशाल्लाह न सिर्फ कि आप कुछ स्पीचेस सुनेंगे और उसमें बातें सामने आएंगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हाउस को ओपन करें और सबकी आरा भी शामिल करें उसमें। तो सबसे पहले तो मैं ब्रदर नईम कुरैशी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और वो आकर आज के प्रोग्राम के अवराज और मकासिद और क्या अजायम उन्होंने कर रखे हैं उसके बारे में बताएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मोहतरम मनीष यूनुस साहब, प्रेसिडेंट सीएसआर क्लब पाकिस्तान। मोहतरमा सीमा ताहिर साहब, आई वेलकम यू, सीईओ एयर मीडिया। अमित साहब, प्रेसिडेंट अल शिफा ट्रस्ट पीआईए एंड कंपनी सेक्रेटरी। कर्नल रिजवान साहब, आई एम हैप्पी टू से बिकॉज़ ऑफ द विजन एंड बिकॉज़ ऑफ द वे एंड द क्वालिटी दैट वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग टू आवर प्रोग्राम्स, they have been and has been evaluated from a third party, that it has been very effective. So you have heard in the recent time the Prime Minister's emphasis also on population, and we have a program that has been very effective, and we hope to be able to scale it up. So the idea behind Aman's vision was to be able to show how some things can be done with quality, can be effective, can create an impact, and then look towards partnership with the state to scale it up. And in that area, we already have a partnership with the government of Sindh in emergency medical services. It's called Sindh People's Ambulance Service in Atlanta, Jabu. We run 25 ambulances over there, and we have recently signed an agreement with them for expanding our 60 ambulances in Karachi to 200 by the end of this year. So I hope that will impact every one of you and our family. अली साहब कह रहे थे कि जब भुट्टो साहब जा रहे थे चाइना माओदेन से मिलने, तो उस वफद में मैं भी शामिल था। तो जब हम चीन पहुंचे तो रास्ते में हमें हिदायत दी गई कि जब माओदेन साहब आपसे मिलने आएंगे तो आप उनसे सिर्फ हाथ मिलाएंगे, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे। हमने कहा ठीक है, हम फॉलो करेंगे। तो कहने लगे कि जब माओ साहब आए और वो हाथ मिलाने लगे तो हमने देखा कि जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो छोटे ही नहीं है, बहुत देर तक हाथ हिलाते रहते हैं। तो हमने कहा कि ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने टाइम में एक सवाल तो हो सकता है। तो कहने लगे जैसे ही माओ साहब ने मेरा हाथ पकड़ के हिलाना शुरू किया, उनके साथ एक खातून थी, मैंने उनसे कहा मुझे पूछ के बताएं कि चीन ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि जिस पर चीन बहुत मुतमईन हो। तो उस खातून ने वो सवाल तर्जमा करके माओ साहब को बताया, और माओ साहब ने चीनी जुबान में जो कुछ कहा तो वो खातून कहने लगी, माओ साहब कहते हैं हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया है, अब दुनिया एक नया चीन देखेगी। तो ये विजन है लीडर्स का और लोगों का। और आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं तो सिर्फ लफाजी करने नहीं, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करने नहीं, बल्कि खुदा करे हम किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचे कि हम सब इनफरादी तौर पर तो छोटे छोटे ग्रुप हो सकते हैं, छोटी छोटी कंपनीज हो सकती हैं, लेकिन जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो एक बड़ी ताकत बनते हैं, बहुत बावसीला लोग बन जाते हैं। तो हमारे वसाइल क्या बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, इस सवाल का जवाब आप सबका कर्ज है। Somehow or the other, I mean the Naeem Qureshi and we found each other too late somehow. Although he said he had been in this function for the past almost 15 years, but it was only last month when I was given this additional charge of being the president of World Shifa Trust that we came close to each other, and we are trying to be closer than what we are now. Perhaps, like very rightly said by many speakers, that CSR is something that cannot be done, you know, by individuals. I mean, if there are people who think on the same lines and who are on the same frequency and who are the same level of social responsibility level, then perhaps they can put their heads together, they can put their hands together, and you know, kind of a united effort can be made to introduce this corporate social responsibility to this part of the world. So although you may be knowing, most of you must be aware
that the Securities and Exchange Commission of Pakistan has also introduced some guidelines, which are so far voluntary guidelines. These are CSR voluntary guidelines 2013. सिक्योरिटी सक्सीड नहीं करेंगे तो हम नहीं सक्सीड करेंगे. कोई इंसान अकेला एक आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं बन सकता. सो वी शुड ऑलवेज थिंक कि जो हमारे जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं दे आर इक्वल टू अस. अब आपको हम बताते हैं कि अमन फाउंडेशन की बात है. अमन फाउंडेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे हैं कि उनवा भी वही इस्तेमाल करते हैं जो गरीब इस्तेमाल कर रहे हैं. ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि यार ये एक चैरिटी का काम है तो इतनी क्वालिटी नहीं होगी. एम्बुलेंसेज मैंने भी इस्तेमाल किए हैं और एम्बुलेंस किसी ऐसे इंसान ने इस्तेमाल की होगी जो उसके बहुत ही गरीब हो. वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स मैंने भी किया है, वही क्वालिटी का, वही मटेरियल, वही सब कुछ मैंने इस्तेमाल किया जो गरीब आदमी ने इस्तेमाल किया होगा. वो ये है कि इंसान को स्ट्रक्चर करना चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए व्हिच आर गुड क्वालिटी के हम खुद भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हम खुद भी इस्तेमाल करें. दूसरी ये कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जो कि हमारी जिंदगी को आउटलास्ट कर सके. देखिए क्या मतलब है चैरिटी. वन ऑफ द वेज ऑफ वन ऑफ द थिंग अबाउट चैरिटी इज टू आउटलास्ट द फिजिकल एग्जिस्टेंस. ये मकसद होता है कि किसी का सदका जारी है आपकी जिंदगी को कंटिन्यू करे. ये क्या मतलब है कि आपकी चैरिटी जब आपकी जिंदगी में नहीं रहे तो आपकी चैरिटी खत्म हो गई. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. मकसद ये होना चाहिए भाई कैसा सिस्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए. सो ये बात कर ली बाबर अली माशाल्लाह क्या बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी एक लम्स की. हमें चाहिए कि हम इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए जो लॉन्ग मेक ए बेस्ट फाउंडेशन पूरे यूरोप अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक में है. ये वो जगह है जहाँ पे हुकूमतें बड़ी वेल ऑफ हैं, लोग फैमिली वेल ऑफ हैं और वहाँ बच्चों को छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाती हैं. मैं जिस कंट्री से आया हूँ वहाँ पे ऐसी भी फैमिलीज हैं और ऑनेस्टली मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर कोई टाइम बच्चे की एक विश है टू हैव अ डॉग वो फैमिली उसकी अफोर्ड नहीं कर सकती. और ये मुझे बाद में इसका अंदाज़ा हुआ था फाउंडेशन नाम पे आई हूँ. जब मैंने उनसे कहा कि नोट लिखें कि आपको ऐसे कंट्रीज से अपना आवास करना चाहिए, अलग है ना अमेरिका में बैठे हुए हैं जहाँ पे हर बच्चे की ख्वाहिश ये है कि मुझे न्यूजीलैंड जाना है जिसकी एक ख्वाहिश पे 10 से 12 हज़ार डॉलर पड़ चुके हैं. देश सेंट के लिए जो डेटा हमारे पास है उसमें CSR में पाकिस्तान बिल्कुल ना होने वाले लिस्ट के अंदर है, बिल्कुल नीचे की सतह पे है. पाकिस्तान में CSR का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैंने जॉन स्टेटनर जो प्रेसिडेंट और उनका CEO था मैंने कहा आप प्लीज़ एक और रिसर्च करें. मैं जिस बुक्स में आया हूँ शायद CSR के अंदर हम अभी बहुत पीछे हैं मगर इंडिविजुअल डोनेशंस के अंदर पाकिस्तान का शुमार कौन से नंबर पर होता है ये सब आप चेक करें. और आप यकीन करें कि जब उन्होंने चेक किया तो उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद मुल्कों में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल डोनेशंस जो है वो दी जाती है. उन्होंने मैंने उनसे ये कहा कि पॉसिबल है कि CSR में हम थोड़े पीछे हैं मगर इंडिविजुअल डोनेशन में हम दुनिया के टॉप कंट्रीज में हैं. और इस तरह मेक ए बेस्ट फाउंडेशन सीमा पाकिस्तान के अंदर आई और आज मैं आपको खुशखबरी दी यहाँ पे क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही एक कॉन्फ्रेंस से आया हूँ कि मेक ए बेस्ट पाकिस्तान को वो बेस्ट एफिलिएट अवार्ड मिला अमंग 60 कंट्रीज. और आज मैं उनके इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 10 हैं उनमें मुझे शामिल किया गया. मगर इस तमाम अरसे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर की है और मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ नईम कुरैशी साहब की और उनकी वाइफ की कि टायरलेसली जिस तरह वो काम कर रहे हैं CSR के. आज पाकिस्तान में CSR जो है वो अब ऐसा ऐसा काफ़ी आगे आ गया है और सिचुएशन वो नहीं है जो 12 साल पहले थी जहाँ के इदारे जो थे वो CSR के नाम से दिवा के हुए थे. इंडिया में अभी रिसेंटली एक कानून बना है जहाँ पे कॉर्पोरेट इदारों के लिए मस्ट है कि वो अपनी आमदनी का 1-2% जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वर्क करें, अपने हाथ से भी वो खर्च कर सकते हैं. और आप यकीन करें कि जब से ये कानून बनाया उसके बाद वहाँ फलाम बहबूद के कामों में इतनी बेहतरी आई है कि मैं जब मेक ए बेस्ट इंडिया के सामने बैठा था उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा
कि हमारे पास अब हम इतने ज़्यादा लिक्विड हैं कि एक ज़माना था कि हमारे पास एक लवलीनेस थी बच्चों की विशेष थी जो कि हम पूरी आए तो नहीं साहब सी एस आर का जो आपने ये शुरू किया है इसको आप जारी रखें और आप इस पर भी करें इस तरह पाकिस्तान में भी ये कानून आए कि हर इदारा जो है जो प्रॉफिट मेकिंग इदारा है वो 1-2% जो है अपने प्रॉफिट का अपने हाथ से अगर वो सी एस आर की खर्च करता है तो आप यकीन करें कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है और ग्लोबल में भी कमी आ सकती है। थोड़ा सा मेक विश का मैं आपको और बताना चाहता हूँ। कंट्रीज एंड रीजन्स डिफर फ्रॉम मच टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ह्यूमन बिहेवियर विद रिगार्ड्स टू ड्रग्स प्रोवाइडिंग क्लीन नीड्स फॉर ड्रग्स एंड फूड एंड शेल्टर फॉर द ड्रग एडिक्ट्स इज द सी एस आर देयर। मेरे मुल्क का मसला बेसिक एजुकेशन है तालीम है। इसी तरह मैं अफ्रीका जाता हूँ वहाँ पे कई मुल्क मैंने देखे जहाँ पे छोटे बच्चे माइंस कोबाल्ट माइनिंग गोल्ड माइनिंग डायमंड माइनिंग सिलिका माइनिंग इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गए। आप मेनलैंड यूरोप में आप जाते हैं उनके ज़्यादा इशूज ह्यूमन बिहेवियर से हैं बेसिक इशू से नहीं रेशियल इशूज हैं उनके एथनिक इशूज हैं। दे वॉन्ट टू क्लोज द गैप बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर्स को रिलीजियंस को जो वहाँ पे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं सी एस आर प्रैक्टिशनर्स हैं जो सोसाइटी बिल्डर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि यार दो रिलीजियंस को हम गैप क्लोज करें काले और भोरे का फर्क खत्म करें उनके ये मसाइल हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे हम जिस खत्ते से बिलोंग करते हैं हमने अमरीका की मिसाल ली हमने कई जगहों पर मिसाल ली हम भूल गए हमारा वो सत्तारी भी मौजूद है यहाँ पे। अगर आप स्टैटिस्टिक देखें तो ही रन द लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय एनी एनजीओ ही रन द लार्जेस्ट डेस्टिट्यूट वुमेन एंड चिल्ड्रन शेल्टर इन द वर्ल्ड सिंगल हैंडेडली राइट। रूमी ने कहा था सेट योर लाइफ ऑन फायर फैंसी डोर्स सी डोर्स फैंसी योर फ्लेम्स। तो जिस लेवल की सी एस आर या फिलैंथ्रोपी हम करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को आग जलानी पड़ती है। मैं लुजैन में एक कोर्स कर रहा था लीडरशिप डेवलपमेंट का स्टीव जॉब्स वहाँ पे तकरीर करने आए काफ़ी लोग बैठे थे कोई मुसलमान कोई हिंदू कोई क्रिश्चियन कोई बुद्धिस्ट डिफरेंट सेक्ट के उसने कहा वी ऑल बिलीव इन सम काइंड ऑफ रिलीजन व्हाई द साइंस टॉक्स अबाउट द ब्रेन एंड व्हाई योर रिलीजन योर ट्रेडिशन एंड योर फिलैंथ्रोपी mythology always talks about the heart. क्या आप दिल से ह्यूमन की सोसाइटी है दिल से रिश्ता है दिल से आप अल्लाह को ढूंढिए। बाइबल कहती है seek your God from your heart, not from your brain. उसने कहा साइंस में बुनियादी है कि आपके दिल के चार हिस्से हैं बुनियादी तौर पर आप देखें एक आपने अपने बिलीफ को दे दिया दूसरा आपने अपनी फैमिली को दे दिया तीसरा आपने अपने रोजमर्रा के मामूल को दे दिया बिजनेस को दे दिया कारोबार को दे दिया दोस्तों को दे दिया पैसे कमाने को दे दिया रिश्त कमाने को दे दिया चौथे हिस्से में आप क्या कर रहे हैं। एंड द होल हाउस लॉट ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स हैव बीन हियर क्या व्हाट वी आर डूइंग विद द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर क्वार्टर ऑफ द फोर्थ डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ व्हिच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई वाज अ किड माय टीचर टोल्ड मी फकत तुम्हारे नंबर काम आते हैं। मैंने कहा सर ये वजह समझती है कि मैं मेहनत भी बड़ी करता हूँ। कहता है तुम सोच बड़ी रखते हो लेकिन तुम छलांग भी बड़ी लगाने की कोशिश करते हो तुम छोटे छोटे पैरा याद किया करो छोटे छोटे काम करो देर विल बी ए डे तो सम प्लस हो के यू विल बी टू ए बिगर लेवल आउट एट द ऑप्टिक विजन। हमें 70 साल के बाद याद आता है कि हमारे हमने डैम बनाया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू बिकॉज प्लीज please please remember people sitting in this room make 1% of the society of Pakistan that's a reality। mere ghar mein ac nahi chalta to us ups chal jata hai nalka nahi aata to main phone karta hu mere ghar mein tanker pahunch jata hai mere ghar ki deewar ke paas chor aata hai to mere telephone par foran police pahunch jayegi lekin 99% population us level pe nahi hai to we need to fear that
no army, no political governance, no amount of power which I rest in my pocket with my business or my salary is going to safeguard the divide between the haves and the have-nots. So, this gap ko humne kaise kam karna hai? This is an issue. आपके जहन में है कि मैं ऐसे काम कर दूं, कीजिए। आपके जहन में है कि मैं अमन फाउंडेशन के थ्रू करूंगा, कीजिए। आपके जहन में है कि मैं के विश फाउंडेशन, ग्रेट जॉब। बट जैसे श्याम साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, सबसे मुश्किल टाइम अपने आप को उसमें एंगेज करना, टाइम देना, दैट इज द बिगेस्ट सीएसआर यू कैन डू। बदकिस्मती से जो मेरा सूबा है उसमें पढ़ने एजुकेशन के लिए वो एफर्ट नहीं हुई जो हमने पंजाब में देखी, जो हमने सरहद में देखी। सर एक ही जन्म में कुछ कर जाए सर, बहुत शुक्रिया। मिस सीमा साहिर हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश, आप सीईओ हैं एयरवेव मीडिया की, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आए और मुख्तसर अपने कुछ कमेंट्स प्लीज। मीडिया ओनर्स, कल रात को इत्तेफाक से शकील साहब के साथ, शकील रहमान साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी, और जब मैंने ये कहा कि ये सेंसेशनलिज्म और ड्रामेटाइजेशन एंड ब्रेकिंग न्यूज़ या ड्रामा फिल्ड विद विद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड स्टोरीज ऑफ करप्शन, तो उनका भी ये उन्होंने एडमिट किया कि अनफॉर्चुनेटली एक बन गया है ट्रेंड, एंड ये एक फॉलोइंग क्योंकि आने लगी, क्योंकि रेटिंग आने लगी। सो जहाँ पे मीडिया को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना था, ऑफ नॉट ओनली ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एन एंटायर चेंज इन द पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। आई वोंट बिकम अ फेमिनिस्ट एंड से कि वी बिलोंग टू अ पैट्रियार्कल फ्यूडल सोसाइटी, हमारा बैकग्राउंड है। आप मीडिया में ये मैंडेटरी करें कि हर चैनल दो मिनट कम से कम 24 आवर्स में दे टू सोशल मैसेजेस टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। तो उनका जी ये दोनों का रिस्पांस ये था कि आप करिए जितना आपको करना है, हम इसको मैंडेटरी। लेट मी कोट इट ओवर हियर, पाकिस्तान इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक और कंट्री हमसे बाकी है, अदरवाइज वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट फॉर अनदर 3 decades। अगले 30 साल तक पाकिस्तान इस दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन रहेगी। 64% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री फॉल्स विद इन द यूथ। अगर इस चीजें जरूरी हैं, बट दिस यूथ इज आवर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एसेट, वी नीड टू इन्वेस्ट इन टू देम बिकॉज दे आर द वन हु आर गोइंग टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो अपने यहाँ एक जिम बना रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उस पर भी काम करें, और सीएसआर क्लब के तहत जिसका मैं भी मेंबर हूँ, हम उन इदारों को और उन लोगों को मिला रहे हैं जिनको सेहत की जरूरत है या जो सेहत की फैसिलिटीज में देना चाहते हैं। अगर आप इस सिलसिले में कुछ चाहेंगे तो हम सीएसआर क्लब के तहत आपकी मदद कर सकते हैं। अलविदा कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ यही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे बता दिया गया इससे ज़्यादा नहीं आना, तो मैं सिर्फ ये कह रहा आप चल ना पाए शायद कोई आपके सामने चिप गिरा हो तो आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। अगर कोई दिल के मरीज हैं और जो शुगर के अमराज में मुब्तला हैं, वो जानते हैं, और मैं खुद एक इदारे का डायरेक्टर हूँ जहाँ पे सर आपके कॉलेज में नाम चाहूँगे जमान फाउंडेशन है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। सर हम किसी फेलियर के लिए काम करते हैं या उसके बचाने का काम करते हैं। एज ए डॉक्टर जब मैं वहाँ बैठा होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई बहुत ही बूढ़ा सा इंसान अपने नौजवान बेटे का हाथ पकड़ के आता है और कमरे में दाखिल होने से पहले उसको कहते हैं बेटा संभल के, क्योंकि उसकी किडनी फेल हो गई है। एक बच्चा जिस तरीके से आता है, हम जैसे लोग भी रो पड़ते हैं कि डॉक्टर देखें, हम जानते हैं कि बाप का हाथ बेटे ने पकड़ना था लेकिन बेटे का हाथ अब बाप भी पकड़ने लगे हैं, हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पे इस काउंसिल को भी अपने साथ लाइए कि हाँ हम चैप्टर को काम कर रहे हैं जो हमें करना है, इसमें कोई शक नहीं है, और वैसे ही करें जो हमें करना है, थोड़ा सा नुक्ते नज़र चेंज कीजिए और किसी इंसान को ऐसा बनाइए कि जो आपके इदारे से काम करके जाए अपने घर वालों को कुछ क्वालिटी का वक्त दे सके। तहत आज ये तकरीब रखी गई जिसमें कुछ तो मैं नहीं सुन सका था, लेट हो गया, लेकिन जितना भी सुना बहुत ही अच्छा था और बहुत सबको मैं पर्सनली जानता हूँ उनके काम से भी,
काफी हद तक जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, खासतौर पर सूबे के लिए, हमारे लोगों के लिए, सबको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे सेक्टर्स में कामयाबी हुई है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर सामने काम हुए हैं। कमल का हमारे सामने देख चुका हूँ, इसी तरह एंग्रोज का क्या जिक्र हुआ है, यहाँ पे एक दो सेक्टर ऐसे हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ, क्रिकेट है यहाँ पे आप सब मौजूद हैं, इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। एक ऐसा एसओ है हमारा जिसको सिंध गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो उसमें बड़े मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनका जरूर प्रोग्राम देखें और जिन इलाकों में उन्होंने काम किया है उसको जरूर आप विजिट करें, और जो इलाके रह गए थे उनको भी उसमें इंक्लूड किया है, वहाँ के भी शुरू होने वाले हैं। और सी एस आर की उसमें भी, और फिर सिंध गवर्नमेंट के जो अपना शेयर है 54%, उसमें 3% हमने वहाँ के लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं जिनके इलाके में ये चीज़ें हो रही हैं उनको उसमें शामिल किया। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, सीइंग इज बिलीविंग, आप वहाँ पे गए भी होंगे अगर जाना चाहें वो भी हम अरेंज कर सकते हैं। एजुकेशन का जिक्र हुआ, जाहिर है उसमें बहुत बेहतरी आनी चाहिए और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो भी मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, उन्होंने जो एक तासर को ख़त्म करने के लिए अपनी बेटी का एडमिशन भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में कराया है, अपने वालिदों का भी यही ट्रेंड दूसरे लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग बेहतर ला सकें। बिल्कुल सलीम साहब ने कहा कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इसी वजह से लोग रूरल एरियाज में होते थे कि वो उसको इस्तेमाल कर सकें, नहीं तो नौकरियां मिलेंगी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं है। अब लोग एजुकेशन चाहते हैं, उनको इस बात का पता है कि इसकी कितनी अहमियत है। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है क्योंकि आज का जो इसके लिए मुझे बुलाया गया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास दीगर बैंकों के साथ फॉरेस्ट भी है और वाइल्ड लाइफ का, तो फॉरेस्ट को हम लोग जिस तरह होना चाहिए ऐसा कभी उसको प्रेफरेंस नहीं दिया गया, लेकिन अभी हमारे चेयरमैन अमिताभ प्रोफेसर भाई साहब के विजन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब को और मुझे ये टास्क दिया है कि पूरे सिंध में इसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। स्टार्ट हम कराची से कर रहे हैं और अर्बन फॉरेस्ट्री में हमने बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई की हैं जिन पर इसी माह में काम जो है वो शुरू हो रहे हैं। एक तो कुछ पार्क्स हैं कि जितनी लियारी नदी, मलीर और जितने नाले हैं उनके जहाँ पे हम इजी टारगेट समझ रहे हैं अपना, वहाँ पे इसको शुरू किया जा रहा है। और ये भी कि जो यहाँ के स्पेशल नहीं है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो वैसे ही उनका इतना फायदा भी नहीं होता और उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट भी नहीं आती, तो जो नेचर यहाँ के हैं उनको ज़्यादा फ्लोर देंगे और फ्रूट ट्रीज भी लगा रहे हैं आमतौर पर भी कर फॉरेस्ट की ज़मीनों पे कुछ खाली कराए हैं और उस पर भी एक पूरी भूख शुरू हुई भी है। और बहुत सारी इस तरह की फॉरेस्ट की लैंड थी जो गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट हुई हुई थी, अभी मेरे जो चीफ साथ हैं जिसमें हमने पूरी कोशिश की और कैंसिल की हैं वो। मैंग्रोव्स की बात हुई, मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है जिनके लिए बताया गया कि उन्होंने बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है, आप सबको आगे आना चाहिए। लेकिन मैंग्रोव्स में हमारा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो यहाँ पे, तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है चीफ साहब बता रहे हैं, और ये बातें मे भी आपको पता हो लेकिन हम सबको दावत भी दे रहे हैं कि आप आके तो देखें कि वो बिल्कुल करीब है, कराची के करीब ही है जिस एरिया में हमने ये किया था। केरी वालों की तरफ से तो बैठे बैठे ऑफर मिल गई, और भी हमारे काफी दोस्त हैं, तो इसमें आप सब इसकी ऑनरशिप है, ये आप नहीं है और आगे आप है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे सिंध गवर्नमेंट जो है, और बल्कि कल से शुरू कर दें उसका, मेरा दर का नाम दे दें, माई ट्री दे दें उसका नाम, या जो भी हो जितना भी कंट्रीब्यूशन हो आप आकर खुद करें, हम लोग आपको